बन गया ना। आपको क्या लग रहा है कि जो केंद्रीय इस तरह की एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है इस तरह देश के भीतर? ये तो आकलन करने वाले और उस पर चिंतन मंथन करने वाले लोग आप इंजीनियर लोग हैं, और किस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही है। क्या संजय सिंह इसे गिरफ्तार किया गया कि लगातार बोल रहे हैं आप? संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, पता नहीं कई चीजें हैं, चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं, हमारे बारे में बहुत जिक्र होता है, बेनामी संपत्ति अजीब हाल है, मुझे समझ में नहीं आता है। मोबाइल पीछे क्यों नहीं आ रहा है? आप सबको पता है ना कि मैं किस समूह से आता हूँ, किस वर्ग से आता हूँ, मालूम है जी। मैं आदिवासी समूह से आता हूँ, आदिवासी नौजवान, और मुझे बेनामी संपत्ति का आरोप लगता है मेरे ऊपर। और आपको पता है यहाँ पर आदिवासी जमीनें और संपत्ति किस तरीके से खरीद बिक्री होती है। जिस संपत्ति की हमारी ना खरीद होती है, ना बिक्री होती है, ना बैंक मदद करता है, तो उस संपत्ति लेके आदमी करेगा क्या? और आरोप हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कई संस्था के स्पोक्स पर्सन भी बने पड़े हैं, और अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए, ये लगातार जारी है। खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र में 5 साल में एक बार हर एक जनता को, हर एक व्यक्ति को अपना ताकत का एहसास कराने का वक्त मिलता है, और ये वक्त बहुत जल्द आने वाला है। समय किसी के लिए ठहरता नहीं। अच्छा दादा, कल तेजस्वी यादव ने पटना में कहा जो रीजनल पार्टियां हैं, जैसे बिहार में आरजेडी हो गई, अभिषेक बनर्जी भी आईईडी के रडार पे हैं, आप झारखंड में हैं, तो रीजनल पार्टियों को उन्होंने कहा कि बिल्कुल खत्म कर दें, कि जो है पॉलिसी केंद्र सरकार चला रही है। आपको लगता है कि रीजनल पार्टियों को दबाया जा रहा है जो रूल कर रहे हैं स्टेट में? देखिए, अब किसी के बढ़ाने से हम यहाँ बढ़ के तो नहीं आए हैं, तो किसी के दबाने से, किसी के षड्यंत्र से हम खत्म होंगे ऐसा लगता है क्या? इसीलिए हर लोग और विशेषकर आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भी इस बात को अंकित किया है कि इन वर्गों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उनको आगे आने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। और आप वो समय बिल्कुल सामने है जहां ये समाज तेजी से आगे आएगा। सर जातिगत जनगणना कराएंगे राज्य में? हम लोगों को, आप सब लोगों को मालूम है, हम लोगों ने 2021 से ही ये पहल रखी है और हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधानसभा से पारित करके किनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए ये भी भेज रखा है। तो ये बात सरकार का बिल्कुल अस्पष्ट है, जो लोग जिस समूह में जितने हैं उतना अधिकार मिलेगा। अभी जो दिल्ली में आप में जो विषय है वो प्रमुखता उसकी होगी और आवश्यकता अनुसार और उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष के परमिशन से और भी बातों को रखा जाए। किसानों का जो धान का पैसा अभी तक नहीं, किसान काफी परेशान है सर। कितना पूछोगे बताओ, सुने ना बिल्कुल, उसके बारे में मुँह मीठा करा रहा हूँ।